हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मई महीने का करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मई महीने के करंट पेपर को हम दो पार्ट में बनाए हुए हैं। दोस्तों, पहला पार्ट में आपको 1 मई से लेकर 15 मई तक का करंट अफेयर पार्ट 1 में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, पार्ट 2 में हम 16 मई से लेकर 31 मई के करंट अफेयर को देखेंगे। उसमें 16 मई से लेकर 31 मई के करंट अफेयर का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो कि उसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम लोग 30 क्वेश्चन तक देख चुके थे। इस पार्ट में 31 से क्वेश्चन से देखेंगे। आइए 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन चुका है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है ऐसा पहला देश है यूरोप का जो कि कोरोना फ्री होने वाला देश बन चुका है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात हुई है स्लोवेनिया देश की, तो स्लोवेनिया देश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों, स्लोवेनिया किस महाद्वीप में स्थित है? स्लोवेनिया जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? स्लोवेनिया की राजधानी है दोस्तों जुबलजाना। क्या है दोस्तों? जुबलजाना, याद रखिएगा। जुबलजाना की है जो सुबल इसकी राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ की करेंसी यूरो है। उसके यहाँ के राष्ट्रपति बोरुत पोहर हैं। राष्ट्रपति बोरुत पोहर हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री मार्जन श्रेक हैं। मार्जन श्रेक जो है स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिक्किम राज दिवस कब मनाया गया? हाल ही में सिक्किम राज दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? 16 मई को सिक्किम राज दिवस मनाया गया। चलिए दोस्तों, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, 38वें संविधान संशोधन के बाद सिक्किम को पूर्ण रूप से राज का दर्जा प्राप्त हो गया। ये भारतीय गणतंत्र का 22वां राज बन चुका था। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 16 मई 1975। इसकी स्थापना कब हुई? 16 मई 1975। याद रखिएगा दोस्तों, 16 मई 1975 का सिक्किम की स्थापना हुई। सिक्किम की राजधानी अभी सभी लोग जानते होंगे गंगटोक होता है। इसके मुख्यमंत्री अभी प्रेम सिंह तमांग हैं। प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के, और यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 33वां नंबर, हाल ही में किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस किस देश ने मनाया? वो है दोस्तों अमेरिका ने। अमेरिका ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया। अमेरिका जो हर वर्ष मई के तीसरे शनिवार को अपना सशस्त्र सेना दिवस मतलब आर्मी फोर्स डे मनाता है। आर्मी अपनी सेना को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कौशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम शुभारम्भ किसने किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अर्जुन मुंडा ने। किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने किया है। देखो, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके बारे में पॉइंट ये है, क्या यहाँ पर शब्द आया है गोल दोस्तों, ये है इंग्लिश वाला गोल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट मान के चलिए, आप कॉपी पर लिख लीजिए इसको। क्या गोल का मतलब होता है? जी, गोल का जी का हो गया गोइंग, ठीक है दोस्तों। इसका हो गया गोइंग, ओ का हो गया ऑनलाइन, ए का हो गया एज, ठीक है। तो एल का हो गया लीडर, याद रखिएगा दोस्तों लीडर, ठीक है। गोल का आप कभी कभी ये एग्जाम में आपको पूछ देगा, ऐसे नहीं पूछेगा तो पूछ देगा गोल का फुल फॉर्म क्या होगा, जो आदिवासी युवाओं कौशल के बनाने के लिए किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोइंग एज लीडर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जनजातियों के मंत्री कौन है दोस्तों? ये है अर्जुन मुंडा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बीपीओ के नाम महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? बीपीओ के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ड्रेंग तनांग को बीपीओ के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बीपीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई थी। 14 जुलाई 1967 की बीपीओ की स्थापना हुई थी।
ड्रेंग त्रांग जो है सिंगापुर देश के हैं। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर दोस्तों 36 पे। 36 नंबर का रहा, हाल ही में किस चक्रवात ने देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया? का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्फान तूफान जो है वो कुछ राज्य भारत के कुछ राज्यों को प्रभावित किया। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात के कारण उठने वाले इस तूफान को अम्फान नाम दिया। ये दोस्तों कलकत्ता के आसपास कुछ राज्यों में ये आया था। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया, मतलब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 17 मई कब मनाया गया? 17 मई को मनाया गया। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया दोस्तों? पहली बार 2005 में मनाया गया। इससे पहली बार 2005 में मनाया गया विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 2020 का क्या थीम था? इसका थीम था अपना ब्लड प्रेशर नापे। इसको कहते हैं मेजर योर ब्लड प्रेशर। इसका थीम भी 2020 का थीम क्या था तो दोस्तों अपना ब्लड प्रेशर नापे। चलिए इसके बारे में क्या कहते हैं दिवस से रिलेटेड और एक तो देख लेते हैं कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। 20 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? 20 मई को हम लोग मनाते हैं, बताइए दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं? 20 मई को विश्व माप दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व माप दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आता है 23 मई को क्या मनाते हैं? 23 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व कछुआ दिवस, याद रखिएगा दोस्तों विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। उसके बाद आता है 24 मई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। उसके बाद आता है 25 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 38 नंबर, हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जुबेर इकबाल जो है जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर बात आता है जम्मू और कश्मीर के बैंक के बारे में। तो इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1998 को इस बैंक की स्थापना हुई थी, जम्मू और कश्मीर बैंक की। तो इसकी स्थापना तो देख ली। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है श्रीनगर। कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है श्रीनगर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में जेक मो ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया? ये जो इस्तीफा दिया है दोस्तों सॉफ्ट बैंक से इस्तीफा दिया है। अभी जेक मो जो कौन है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और सॉफ्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में जान लेते हैं। सॉफ्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई 3 सितंबर 1981 को इस बैंक की स्थापना हुई। ये बैंक कहाँ पर है दोस्तों? ये बैंक चीन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो में। नहीं दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो में। ये जापान में रहता है। इसके संस्थापक और CEO कौन है? मासा योशी सोन जो है इसके संस्थापक है। जेक मो जो है किस देश के हैं? ये चीन देश के हैं। जेक मो किस देश के हैं? चीन देश के हैं, याद रखिएगा। और ये जो है किस कंपनी के मालिक हैं दोस्तों? जेक मो ये आपको अलीबाबा कंपनी का आप लोग सभी नाम चुने होंगे, उसी कंपनी के मालिक हैं जेक मो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश की सरकार ने मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू की है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे। अब आती है मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान जो है अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। उसके बाद आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? इसका सही आंसर है रेल बाट नामक एक रोबोट को विकसित किया है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे ने।
अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका काम क्या है इस रोबोट का? इस रोबोट का काम है रेल बोट का इस्तेमाल दवाओं दवा चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने के लिए, मरीजों को भोजन परोसने के लिए इस रोबोट का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे की, तो दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको सिकंदराबाद है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। इसके प्रबंधक अभी कौन है? इसके प्रबंधक हैं दोस्तों गजानन माल्या। कौन है दोस्तों? गजानन माल्या, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात आती है मानव संसाधन विकास मंत्री अभी कौन है? इसकी ये मंत्री हैं दोस्तों रमेश पोखरियाल जो है मानव संसाधन विकास मंत्री है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस ऐप का उद्देश्य है लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षक संस्थानों के दौरान बच्चों की मदद करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 43 नंबर क्या है दोस्तों? भारतीय इस्पात संघ SISA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दिलीप उमेन जो है इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब आते बातें आती है दोस्तों ISA, तो ISA का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंडियन स्टील एसोसिएशन। क्या होता है दोस्तों? इंडियन स्टील एसोसिएशन। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय इस्पात संघ। क्या कहते हैं? तो भारतीय इस्पात संघ। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। चलिए दोस्तों इसके मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में पड़ता है, याद रखिएगा। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गोविंदा राजुल चिंटाला जो है नए अध्यक्ष नाबार्ड के नियुक्त हुए हैं। अब यहाँ पर बात होती है नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका इंग्लिश में होता है फुल फॉर्म। इसको हिंदी में होता है राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, उसका आता है 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना आरंभ किया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य है COVID-19 के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ये जो था 26वां राज्य बना था। अब इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? रायपुर। अब इसको एग्जाम में पूछ सकता है रायपुर का नया नाम क्या है, तो नया नाम है अटल नगर, याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। क्या होना है दोस्तों? भूपेश बघेल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है अनुसुईया उइके जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर। NTPC ने संयुक्त उद्गम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ONGC। NTPC ने संयुक्त उद्गम स्थापित करने के लिए ONGC के साथ समझौता स्थापित किया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर NTPC और ONGC के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। उसके बाद आता है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 ईस्वी कब हुई थी दोस्तों? 1975 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद आते हैं हम लोग ONGC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ONGC क्या है? ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं तेल और प्राकृतिक गैस नियम।
निगम, इसको हिंदी में इसका स्थापना कब हुआ था? 14 अगस्त 1936 14 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? किस देश ने ओपन स्काई संधि से निकलने की घोषणा की है? ये देश है अमेरिका। अमेरिका ने ओपन स्काई से निकलने की घोषणा की है दोस्तों। और इसके बारे में ओपन स्काई की संधि कब हस्ताक्षर कब हुए थे दोस्तों? हस्ताक्षर हुए थे 2002 में। अभी अमेरिका इसे निकलने की घोषणा कर दी है। अमेरिका किस महाद्वीप में आता है दोस्तों? ये अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। चलिए दोस्तों उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। भारत जो है PPE किट बनाने में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले पहला नंबर पर कौन सा देश है? पहला नंबर पर चीन जो है, पहला नंबर पर कौन सा देश है? चीन है। अब जानते हैं दोस्तों PPE का फुल फॉर्म क्या होता है। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, समझे दोस्तों। अब PPE में कौन कौन सा किट आता है दोस्तों? इस किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गॉन शामिल है। चलिए दोस्तों उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने सबको मिलेगी रोजगार योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। किसने की है? मध्य प्रदेश ने यह घोषणा की है। इस योजना के उद्देश्य क्या है? राज्य के प्रवासी मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरण करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 50 नंबर क्या क्वेश्चन है दोस्तों? किसने जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर है वृक्षराज शर्मा। किसको चुना गया दोस्तों? वृक्षराज शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे बात हुई है दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर एक क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 51 नंबर कह रहा है दोस्तों, कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है दोस्तों मेघालय। मेघालय जो है 2022 की मेजबानी राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। यहाँ पे बात हुई है मेघालय की, तो मेघालय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। हर राज्य के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ताकि आपके उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें और उसका आंसर टिक कर सकें। तो मेघालय राज्य की राजधानी होती है शिलोंग। क्या है दोस्तों? शिलोंग। इसकी स्थापना होते हैं 21 जनवरी 1972 को इसको इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना उसकी मुख्यमंत्री यहाँ का शिलोंग के क्या कहते हैं, मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कर्नाड संगमा। कर्नाड संगमा जो है, कर्नाड शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल है कौन है? तथागत शर्मा। यहाँ के राज्यपाल जो है तथागत शर्मा है, याद रख तथागत राय है, सॉरी दोस्तों तथागत राय जो है यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है कर्नाड संगमा। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? किस राज्य ने? ये है दोस्तों किस राज्य? मिजोरम ने खेलों को उद्यम का दर्जा दिया है। अब इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों? आइजोल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में हुआ। ये उद्घाटन वाला जो काम होता है ना, अधिकतर नई दिल्ली में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सिकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान का केंद्र का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर आता है IRDC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन
इंडियन डिस्ट्रीब्यूट रेजुलेशन सेंटर, इंडियन डिस्ट्रीब्यूट रेजुलेशन सेंटर। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 25 मई। कब मनाया गया? 25 मई को मनाया गया। इस दिवस को मनाने की घोषणा 1983 ईस्वी में हुई थी दोस्तों कि गुमशुदा बच्चों के दिवस मनाया जाए। इसकी मनाने की घोषणा कौन किया था दोस्तों? अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रंगीन ने इसकी घोषणा की थी। अब तो आते हैं मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिन को देख लेते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं 29 मई के। 29 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? 29 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाते हैं। 30 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों? 30 मई को हम लोग मनाते हैं गोवा राज दिवस। क्या मनाते हैं? गोवा राज दिवस। 31 मई को क्या मनाते हैं? 21 तम्बाकू निषेध दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों 29 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई को मनाते हैं गोवा राज दिवस। 31 मई को मनाते हैं विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 55 नंबर पर। आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत सरकार ने नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका सही आंसर है प्रेम के नायर को भारत सरकार ने नाइजर गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई दोस्तों नाइजर देश की। नाइजर देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। नाइजर देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है नियामी। करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है जो मुद्रा होती है, इसकी मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी सी एफ ए फ्रैंक जो है इसकी मुद्रा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर दोस्तों फेसबुक ने एक ऐसा कैच अप एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं इस कैच अप ऐप है क्या। इस कॉलिंग ऐप एप्लीकेशन का उद्देश्य है दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के साथ जोड़ना। इस ऐप में एक समय में 8 लोग कॉलिंग में जुड़ सकते हैं वीडियो कॉलिंग में। आप लोग तो सभी जानते होंगे फेसबुक के MD और CEO कौन है अभी दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग हैं, संस्थापक भी हैं। चलिए दोस्तों उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने नए MD और CEO के रूप कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों एस एन राजेश्वरी जो है दोस्तों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO बने हैं। तो यहाँ पर जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 12 सितंबर 1947 ईस्वी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली है, याद रखिएगा। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने राइट इशू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। कौन है? जो RIL रिलायंस इंडस्ट्री रिलेटेड इंडस्ट्री लिमिटेड ने ये राइट इशूज से संबंधित को जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉक्स इस्तेमाल लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 59 नंबर, हाल ही में विप्रो ने नए MD और CEO किसे नियुक्त किया है? कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, थेरी डेलापोर्ट को विप्रो के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। विप्रो कौन सी कंपनी है? विप्रो जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT सेक्टर कंपनी है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई दोस्तों? 1945 ईस्वी में विप्रो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु जो कर्नाटक में है। इसके चेयरमैन कौन है? रशीद प्रेम जी है जो है विप्रो के अभी क्या कहते हैं चेयरमैन हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है जरा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ ऋण समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ADB बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बारे में देख जान लेते हैं दोस्तों।
एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ ऋण समझौता किया? एडीबी बैंक के साथ किया है। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई आपके पास का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।